दोस्तों, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में तो आप सब देख रहे होंगे। तब तो आप ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को बखूबी जानते होंगे, जो इस सीरियल से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए और इन दोनों ने इसी सीरियल से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और आज शादी के बंधन में बन चुके हैं, साथ ही में काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इनके लाखों फैंस हैं जो इनकी जोड़ी के बहुत बड़े दीवाने हैं और इन्हें हमेशा साथ देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के बीच में उम्र का कितना फासला है और इनके बीच में कितना एज गैप है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में एसीपी विराट और पाकी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने 30 नवंबर साल 2021 में सात फेरे लेकर शादी की थी और आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन आपको बता दें, इनकी मुलाकात गुम है किसी के प्यार में सीरियल की शूटिंग के दौरान ही हुई थी, जहाँ दोनों काम करते करते सेट पर ही एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। इसी तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते न जाने दोनों कब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, पता ही नहीं चला, जिसके चलते बिना वक्त गवाए दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और अपने मम्मी पापा से बात करके उन्हें शादी के लिए मनाया। और इसी तरह से ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने 30 नवंबर साल 2021 को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर शादी कर ली। लेकिन अगर बात करें नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के बीच के एज गैप के बारे में, तो आपको बता दें कि जहां नील भट्ट 34 साल के हैं, तो वहीं ऐश्वर्या शर्मा 29 साल की हैं। और इसी तरह से नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा से 5 साल बड़े हैं। लेकिन इन दोनों को देख कर लगता नहीं कि नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा से 5 साल बड़े हैं, तभी तो दोनों की ये केमिस्ट्री सीरियल में भी दर्शकों का दिल जीत ले जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के बीच एज गैप के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।